लॉकडाउन के इस पीरियड में ऑलमोस्ट सारे लोग परेशान हैं। किसी को जर्दा नहीं मिल रहा है तो किसी को गुटखा नहीं मिल रहा, किसी को सिगरेट नहीं मिल रही है तो किसी को शराब नहीं मिल रही है। बड़ी भारी परेशानी है यार। अब करें भी तो क्या करें, एक के 100 जो मांगे जा रहे हैं। अब लड़कियां इसलिए परेशान है क्योंकि आईब्रो नहीं बनवा पा रही है, अपर लिप्स नहीं बनवा पा रही है, और वही लड़के इसलिए परेशान है कि बाल भी नहीं कटवा पा रहे। सलून और पार्लर जो बंद है, लड़कियां जो लड़के लगने लग गई और लड़के लड़कियां लगने लग गई। अब सबसे ज्यादा परेशान तो घर की लेडीज है। बच्चों और हस्बैंड की फरमाइशें ही खत्म नहीं हो रही है। स्टेटस पे किसी के देखा कि जलेबी बनी है तो ऑर्डर आ गया, जलेबी बनाइए, बना रही है जलेबी। अब काम वाली बाई भी तो जले पे नमक छिड़क रही है और रही सही कसर ऑनलाइन क्लासेस पूरी कर रही है। अब बच्चों से ज्यादा पढ़ाई तो उनके पेरेंट्स को करनी पड़ रही है। अब लेडीज सोच रही है कि बच्चे कब तो स्कूल जाए और हस्बैंड कब ऑफिस जाए, और कब वो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के चैलेंज एक्सेप्ट करें, कभी साड़ी में, कभी सूट में, कभी टी शर्ट में। बड़ी भारी दिक्कत हो रही लेडीज को, आप नहीं समझ पाएंगे। अब दादी और नानी तो इसीलिए परेशान है कि मंदिर नहीं जा पा रही, बताओ। और हम राजस्थानी लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं कि मिर्ची बड़ा नहीं मिल रहा है खाने में। अब चाहे जलेबी बनाओ, चाहे रसगुल्ला बनाओ, पिज्जा बनाओ, केक बनाओ, लेकिन जो बात मिर्ची बड़ा में है ना, और किसी पकवान में नहीं है। बहुत हुई परेशानी यार, अब सॉल्यूशन सुनो। अब गुटखा और तंबाकू खाने वाले थोड़ी सी सौंफ मुंह में रख ले अगर, तो सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अरे भाई, कुछ नहीं से तो कुछ बेटर है ना, कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना कुछ तो फायदा ही मिलेगा, वैसे भी वो मिल तो रहा नहीं है, तो सौंफ ही रख लो यार। अच्छा, अब मैं एक शराब का अल्टरनेट बताता हूँ। एक आयुर्वेदिक सिरप आती है अंगूर आसव, मार्केट में मिल जाती है, तो 30 ml तो अंगूर आसव और 30 ml पानी। और एक और सिरप आती है शंख पुष्पी, तो 20 ml शंख पुष्पी, वो बन गया आपका हर्बल पैक। लगा लो रात को, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, थकान भी मिट जाएगी, डाइजेशन भी अच्छा होगा, कोई नुकसान भी नहीं करेगा यार। तो ये करके तो देखो, क्यों पीछे पड़े हो शराब के, क्यों भाग रहे हो। अब रही बात सलून और पार्लर की, तो वो तो बंद है, अब क्या करें, अपने आईब्रो और बाल खुद ही काट लो ना यार, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बिगड़ेंगे ही सही, कौन देख रहा है, सब घर में ही तो है, और बिगड़ जाएंगे तो भी क्या है, घर की खेती यार, वापस उग जाएंगे। और क्या पता इसी में ही कोई आपका एक स्टाइल निकल के आ जाए, बी पॉजिटिव यार। अब रही बात लेडीज की, तो भैया सभी हस्बैंड लोगों से निवेदन है कि अपने घर में लेडीज का जरूर हाथ बटाएं, इससे माहौल अच्छा बनेगा और घर में पॉजिटिविटी आएगी। और हाँ, सभी बच्चों से और सभी बड़ों से निवेदन है कि अपनी दादी और नानी को फोन में एक भजन जरूर सुनाए रोज, ताकि उनका भी मन लगा करेगा, उनका भी ध्यान रखिए यार। और हाँ, हर इंसान में कुछ न कुछ टैलेंट जरूर होता है। टिकटॉक के वीडियो बनाओ, स्टार मेकर पे गाना गाओ, पेंटिंग बनाओ, नॉवेल्स लिखो, मोटिवेशनल वीडियो सुनो, अब यूट्यूब चैनल खोल लो, क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा व्यूज नहीं मिलेंगे, लाइक्स नहीं मिलेंगे, मत मिलने दो, अपना शौक तो पूरा हो रहा है ना। तो बस मस्त रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है मेरे दोस्त। थैंक यू।